हेलो परिणीता, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हाय, थैंक यू सो मच। परिणीता, आपको कहीं लगता है कि इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज फॉर यू आल्सो, बिकॉज़ टीवी में मतलब यू आर गुड लुकिंग, यू आर एब्सोल्युटली अ यू नो लीड मटेरियल, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी में जिस तरीके की राइटिंग होती है, जिस तरीके के कैरेक्टर्स बनते हैं, यू आर फोर्स्ड टू प्ले यू नो मदर ऑफ समटाइम्स आपके एज के ही लोगों के, मतलब आस पास सिर्फ एक दो साल का मैंने किया। द थिंग इज दैट आई डू रिग्रेट दैट, बिकॉज आई फील व्हाटएवर कैरेक्टर आई डिड, इट वाज नॉट ओनली अ मदर, इट हैड मच मोर टू डू देन अ मदर। व्हेन आई प्लेड शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा वाज अ वेरी डिफरेंट वुमन, शी वाज अ वेरी सेल्फ मेड वुमन, एंड उसकी अपनी जर्नी थी, अपनी कहानी थी स्टोरी पे। इवन एज अंजना इन देवपना, I was this extremely possessive person and I did everything out of love, in a negative way, but out of love. See, I feel every character that I have done, it doesn't matter what the age is, because as a character, I am ready to do any age, you know. I mean, it doesn't matter what the age of the character is. What matters to me is the role of that character, basically. So, in this, I'm playing my own age. That I'm really a little happy about. But more than that, this character is very important. And it's very, of course, it's one of the main leads. And it is very, very, very interesting. And I love it. So, do you think, kahin na kahin, abhi aisa ek time aa gaya hai when, you know, women should not be, you know, agar jo age hai, usi tarike ke characters offer hone chahiye, kyunki kahin na kahin, थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। अगर हम एक साल पहले की बात करें, अनीता हसनन नानी वाज पेयर्ड ऑपोजिट पल्लवी पुरी, यू नो शी इज ओल्डर देन पल्लवी पुरी, बट कहीं ना कहीं लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं कि अगर एक्टर इज नॉट लुकिंग दैट एज एंड शी इज स्टिल ग्लैमरस, शी इज स्टिल सो लुकिंग यंग, तो क्यों नहीं वो ऑफर करे। और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, पीपल लाइक नागेंद्री सक्सेस। तो आपको लगता है कि अभी वो एक टाइम आ गया है व्हेन वुमेन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू प्ले मदर? Yes, there will be time ki once you start, you know, once you are like above 25, you are either going towards the eldest bhabhi or the mother. तो हो गया था ये। आई थिंक अभी धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, शायद इसीलिए, या तो फिर यू नो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट ओके फाइन। मुझे भी बहुत सारे लोग डीएम वगैरह करते थे कि यू नो व्हाई आर यू प्लेइंग अ मदर, व्हाई आर यू प्लेइंग अ मदर एट दिस एज दैट, बट आई हैव ऑलवेज फॉर एक्टिंग इज एक्टिंग। I mean, just because I'm playing a 40-year-old doesn't mean to be a 40-year-old now, you know. So I have always taken it as acting. But because I have got this role now, and I think people should like it. That the time has come, and that's a very positive step in the industry. Right. The TV industry, especially. आपके तरफ से लेकिन कॉन्शियस एफर्ट था जब यू नो आपने स्वरागिनी किया। स्वरागिनी में खैर कहानी ही वो अलग थी, तो वहां पर किसी को उतना दुख नहीं हुआ व्हेन दे सॉ यू इन मदर रोल। या एग्जैक्टली, आपकी और सचिन जी की पेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, यू नो यू बोथ आर गुड लुकिंग एक्टर्स, तो आप लोगों की पेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बट विद बेपना और फिर आगे भी, तो क्या आपने भी कॉन्शियस डिसीजन लिया कि यू नो आई शुड एटलीस्ट ट्राई एंड ब्रेक दिस, वरना ये चलता ही रहेगा? Yes, I did that. What happened is after Bepana, I took a break from TV. Throughout 2019, I did not do anything. There was one reason that I was looking for something which is good. I want to break the thing and let me experiment something else now. And also because I started a makeup brand, so I was working for that. So I took a conscious break throughout 2019, and luckily in January 2019 I signed this show. So but then we shot for 2 months and the whole pandemic COVID thing came and we had to stop. So finally we are on air now.
बट वो पीरियड कैसा था, यू नो, यू चोज, यू टुक दिस डिसीजन ऑफ नॉट डूइंग शो फॉर वन ईयर, और उसके बाद लॉकडाउन आ गया जहां पे एवरीवन हैज बीन हिट बाय कोविड, हर कंट्री की इकोनॉमी हिट हुई है कोविड के वजह से, पैंडेमिक और लॉकडाउन के वजह से. तो एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपने जो काम पिछला किया होगा उसका पेमेंट भी धीरे धीरे आता है, यू हैव योर डेली एक्सपेंसेस, यू लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल. हाउ चैलेंजिंग वाज दैट पीरियड? आई हैव ऑलवेज बीन अ बिट प्रिपेयर्ड काइंड ऑफ फाइनेंशियली, लाइक यू नो आई ऑलवेज कीप समथिंग फॉर द रेनी डेज टाइप, दैट वाज देयर. That has helped me as a person. And otherwise, मुझे ऐसा लग रहा था कि at least मेरे हाथ पे एक show है, you know, पर कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि हर एक शो कहीं कहीं बंद हो रहा है अचानक से, you know, कोई शो went off air. Yes, yes. So, but कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि at least चलो ये है, बस ये हो जाए शुरू. You know, I was like desperately waiting for the work to start again. Right. Also, with, you know, जब शूटिंग शुरू हुई, लॉकडाउन खत्म हुआ धीरे धीरे, everyone was coming, trying to bring things on track, और उसके लिए एक साथ काम करने की जरूरत थी, जिसके लिए थोड़े न्यू गाइडलाइंस भी आए. प्रोड्यूसर्स वेर यू नो आस्क देयर एक्टर्स की थोड़ा पे कट ले लो और काम कर लो. ओपन यस एग्जैक्टली हर सेक्टर में हुआ है, सिर्फ इसी इंडस्ट्री में जगह हुआ है. मुझे बस यही था कि अभी अगर मैं पेकट के साथ काम ना भी करूँ तो भी मुझे somehow मुझे लग रहा था कि जो भी नए आएंगे काम, वो भी इस चीज का कहीं ना कहीं कुछ प्रोड्यूसर शायद एडवांटेज भी ले कि यू नो अभी ऐसा हो गया है तो कम करो. तो मुझे लगा वैसे भी कम करना ही पड़ेगा अगर कुछ भी. एंड लॉकडाउन में एक अच्छा काम किया मैंने, एक डर्मेटोलॉजी का कोर्स किया रशियन यूनिवर्सिटी से, नोवोसिबिर्स्क यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन कोर्स डेढ़ महीने का था. दैट आई डिड एंड आई पास्ड दैट आल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा खाना बनाया और बहुत सारे शोज देखे, मतलब पूरी, मतलब जितने भी शोज थे अब तक नहीं देखे सब कुछ देख लिया. और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, लूडो वगैरह खेल के, क्योंकि घर के अंदर ही थे, बाहर नीचे भी नहीं जा रहे थे. तो आप हिंदी टीवी शोज के साथ साथ यू डूइंग, यू डिड फ्यू आसामी फिल्म्स आल्सो, सो कहीं ना कहीं, हाँ या सो आपको कैसा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो टीवी में काम करने के लिए नहीं मिलता, यू आर एटलीस्ट गेटिंग टू डू इन यू नो रीजनल, तो वो एक एज एन एक्टर का फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है. Yeah, of course, because films are films ultimately, and as many films, I do these lead characters, so, you know, somehow, you know, I've done some, like, Ganeshi Ane was a very big hit, and people loved the film, and loved me also, luckily, and, you know, so, doing both the things, but yeah, for me, it's like, ultimately it's acting which I love, whether it is a play or film or TV. मैं अपना काम उतना ही sincerely करूँगी हमेशा. Thank you so much, Parinita. It was great talking to you. All the best for the show. Thank you and take care. Thank you. Bye. You too. Take care. Nice meeting you.